हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का, जो है AFW टाइलर से ही कंसर्न, जहां हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स से रिलेटेड। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपने पार्ट नंबर 6 वीडियो नंबर 6 के अंदर AFW टाइलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करा था, और आज हम अपनी वीडियो के अंदर उनके टेक्निक से कंसर्न टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ये सिमिलर टॉपिक मैनेजमेंट के अंदर है। सो यहाँ पर हम टेक्निक की बात कर रहे हैं AFW टाइलर की, जहाँ पर हमें 7 इन टोटल टेक्निक को कवर करना है। तो वन बाई वन अच्छे से डिटेल में सारी टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम फंक्शनल फॉर्मेनशिप से रिलेटेड। अब देखिए, यहाँ पर फंक्शनल फॉर्मेनशिप मैंने लिखा है, और एज यू कैन सी रेड मार्कर से ब्रैकेट के अंदर मैंने डिवीजन ऑफ वर्क लिख रखा है। तो क्या लॉजिक है इसका, पहले ये समझ लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आपके माइंड में जनरली इमेज बन रही है? डिवीजन ऑफ वर्क, सोचिए, बिल्कुल सही, हेनरी फ्योल से रिलेटेड एक इमेज आ रही है सामने, जहां हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ वर्क को डिस्कस करा था। जहां हेनरी फ्योल ने क्या बोला था, बहुत सिंपल सी बात, ये वर्ड का मीनिंग ही बता रहा है कि काम को डिवाइड करने से रिलेटेड था, जहां हमें काम क्या है, लोगों के बीच बांटना है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनके टैलेंट, उनकी स्किल को रिकॉग्नाइज करके, मतलब बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर काम बांटना है। लेकिन अब उसी के प्रिंसिपल्स को, मतलब हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को AFW टाइलर ने थोड़ा डिटेल में बताया है कि काम को बांटना कैसे। सिर्फ उन्होंने तो बताया था भाई, कंसीडर क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, पोटेंशियल, जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग, लेकिन AFW टाइलर ने उसका कुछ और साइंटिफिकल मेथड बताया कि किस तरीके से काम को बांटें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कितने भी बड़े स्केल पर काम कर रही हो, छोटे स्केल पर काम कर रही हो, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स वगैरह, सारे मार्केटिंग, HR, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड उन्होंने क्या करा, एक टेक्निक बताई कि किस तरीके से हम काम को डिवाइड करेंगे। अपने शब्दों में उन्होंने नाम दिया उस टेक्निक को फंक्शनल फॉर्मेनशिप। याद रखिए, ये टेक्निक हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क से काफ़ी रिलेट करती है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है। तो AFW टाइलर ने बताया कि काम को कैसे बांटे, उन्होंने बताया कि दो मेजर जो एस्पेक्ट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें अलग अलग कर दो, मतलब प्लानिंग को अलग कर दो और प्रोडक्शन को अलग कर दो। प्लानिंग जो किससे कंसर्न है, टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, आप फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं, प्रेजेंट में आप सोचते हो, यू हैव टू थिंक, आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है, तो सोचने का काम अलग करो। प्रोडक्शन में क्या है, उसी काम को जो प्लानिंग आपने करी है उसी को इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो काम को, आप डूइंग कर रहे हैं, तो सोचने का काम अलग और करने का काम अलग अलग करने का जो एक सजेशन था वो AFW टाइलर ने टेक्निक के अंदर दिया कि आप प्लानिंग अलग कर दो और प्रोडक्शन अलग कर दें। जब ये दो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, तो इन दोनों मेजर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्सपर्ट चाहिए जिससे ये काम अच्छे से हो सके। तो उसी के लिए बताया कि हमें इन दोनों फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजमेंट फॉर्म में, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट फॉर्म में करने के लिए कम से कम 8 लोगों की ज़रूरत है, 8 लोगों की दोनों में ज़रूरत है। इसका मतलब अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो 4 प्लानिंग के अंदर हमें वो फॉरमैन चाहिए, यहाँ फॉरमैन से मतलब एक्सपर्ट से, इसीलिए नाम दिया गया फंक्शनल फॉरमैनशिप, कि क्या क्या एक्सपर्ट है जिनको क्या अलग अलग काम दिए गए हैं। तो बताया कि 8 फॉरमैन इन दोनों फंक्शन के रिगार्डिंग चाहिए, 4 अंडर प्लानिंग एंड 4 अंडर प्रोडक्शन। अब ये 4 एक्सपर्ट, मतलब इन टोटल 8 एक्सपर्ट कौन है, इनके नाम क्लियर करे गए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क चाहिए, रूट क्लर्क होगा प्लानिंग के अंदर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा प्लानिंग के अंदर, डिसिप्लिनेरियन होगा प्रोडक्शन के अंदर, गैंट बॉस होगा, स्पीड बॉस होगा, रिपेयर बॉस होगा एंड क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा। अब ये तो नाम है, लेकिन इनके काम क्या है ये भी बताए गए। एज यू कैन सी इन द प्लानिंग कैटेगरी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये एक्चुअल में एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो किसी भी काम को होने में लगने वाला टाइम और जो पैसा है वो पहले ही एस्टिमेट करेगा कि प्लान हो रहा है ना सारी चीज़ें, एडवांस में सोच रहे, प्री प्लान है सारी चीज़ें कि किसी भी एक्टिविटी को करने में टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट कितनी इनकर्ड होगी, पहले ही अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। प्लानिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग द स्टैंडर्ड
what you are achieving or what you are going to perform in future. तो उसी के regarding क्या है, cost and time से related जो standard है वो कौन set कर लेता है, time and cost clerk, इसका काम है. Root clerk का काम क्या है कि जितने भी departments हैं उनके बीच देखना कि different कितनी resources की requirement होगी. मतलब जितने बड़े level पर organization काम करेगी या जितना serious nature of business activities organization की होंगी उसी हिसाब से resources की ज़रूरत पड़ती है. कहीं organization में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसी में कैपिटल ज़्यादा चाहिए, किसी में मैनफोर्स ज़्यादा चाहिए, किसी में मटेरियल ज़्यादा चाहिए, वो अलग अलग नेचर और साइज पर डिपेंड करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को एंटिसिपेट करना ये काम है रूट क्लर्क का, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की. इसके अलावा नाम जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका नाम इसके काम के बारे में काफ़ी हिंट दे देता है. इस पर्टिकुलर पर्सन का काम है इंस्ट्रक्शन देना कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए हमें अपने इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर के अंदर बाई एनालाइजिंग और बाई स्टडिंग द फ्लक्चुएशन दैट आर प्रिवेलिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. जो भी बदलाव कहाँ हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हो रहे हैं उसी को सोच समझ के ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे हम अपने चेंजेस करें इंटरनल एनवायरमेंट वर्किंग या स्ट्रक्चर के अंदर. इसके अलावा द लास्ट पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशल रोल प्ले करता है प्लानिंग के अंदर, डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना. ज़रूरी क्यों इसलिए है क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल और पढ़ा है हेनरी फ्यूल का डिसिप्लिन से रिलेटेड, जहाँ बात करी गई थी अगर मैनेजमेंट आप चाहते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन में रखें, डिसिप्लिनरी मैनर में काम हो, वो कब होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे. तो ये एक्चुअल में ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉर्मुलेट करता है और ये भी देखता है कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा जा रहा है या नहीं, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे. तो प्लानिंग के अंदर चार एक्सपर्ट बताए गए, उन चारों के रोल बताए गए हैं. टाइम एंड कॉस्ट का जो क्या करेगा, किसी भी काम में किसी भी एक्टिविटी में लगने वाला टाइम और कॉस्ट को इवैल्यूएट करेगा, स्टैंडर्ड सेट कर लेगा. रूट कलर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की उसको देखेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को कितनी रिसोर्सेज चाहिए, उसके एलोकेशन का काम करेगा. फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देगा कि ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करें, एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंग इंटरनल वर्किंग में भी चेंजेस करें. डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम है देखना कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं कमजोर के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही, सारी चीज़ें एक परफेक्ट मैनर में जा रही हैं या नहीं जा रही. अब यहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो प्लानिंग इंचार्ज की जो फॉरमैन एक्सपर्ट हैं उनके काम बताए गए हैं और बाकी के जो चार प्रोडक्शन के अंदर हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान लेते हैं. गैंग बॉस, इसका ऐसा प्रोडक्शन में क्या चाहिए, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं. तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, इनपुट रॉ मटेरियल. तो वो इनपुट को अरेंज करने की जिम्मेदारी मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो ह्यूमन फोर्स हो, उन सबको अरेंज करने की जिम्मेदारी जिस पर्सन की, उसका नाम है गैंग बॉस. मतलब जिन सारी चीज़ों से प्रोडक्शन शुरू होगा उसकी एक टीम में गैंग तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है, गैंग बॉस की जिम्मेदारी है. स्पीड बॉस, इसका काम बहुत रिलेटेबल है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने क्या करा, काम में लगने वाला टाइम और पैसा पहले ही एंटिसिपेट कर लिया, एवेल्युएट कर दिया कितना लगेगा. अब स्पीड बॉस क्या करेगा, इस चीज़ पर नज़र रखेगा कि काम उसी स्पीड से हो रहा है जैसा टाइम एस्टिमेट करा है, जो टाइम स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है. रिपेयर बॉस का काम है ये देखना कि जो मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट्स है जिसमें कोई भी वियर एंड टीयर हो चुका है, जिसमें कोई भी टूट फूट है, तो उसको टाइमली रिपेयर कराना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े. एंड द लास्ट इज क्वालिटी इंस्पेक्टर, इसका काम है जो भी आउटपुट तैयार हुए हैं, जो भी फिनिश गुड से जितने भी रॉ मटेरियल से अपने फिनिश गुड बनाए हैं प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट हैं उनकी क्वालिटी को चेक करना, क्या वो प्रोडक्ट कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, क्या वो प्रोडक्ट कंपनी के बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कंपनी के ब्रांड नेम को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके रिगार्डिंग क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्टर को रखा जाता है जो कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने का काम करता है. तो ये फंक्शनल फॉर्मेशन है जहां पर डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सटेंडेड फॉर्म में बताया, FW टेक्निक बताई है कैसे बांटे दो हेड के अंदर प्लानिंग और प्रोडक्शन. प्लानिंग जहां थिंकिंग का काम होगा, प्रोडक्शन जहां डूइंग का काम होगा. इन दोनों काम को करने के लिए 8 एक्सपर्ट की जरूरत बताई, 4 प्लानिंग के अंदर, 4 प्रोडक्शन के अंदर. याद रखिएगा प्लानिंग के अंदर कौन है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, डिसिप्लिनेरियन है. प्रोडक्शन के अंदर 4 कौन से हैं, गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस एंड क्वालिटी इंस्पेक्टर. सो अभी हमने जो एक टेक्निक डिस्कस करी फंक्शनल फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने देखा कि टेक्निक बहुत रिलेटेबल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो दिया था हेनरी फ्योल ने,
लेकिन यहाँ एक डिफरेंस क्या है कि एफ डब्ल्यू टाइलर ने, फ्रेडरिक विस्टर टाइलर ने क्या करा, यहाँ पर हमें डिमार्केशन बताया दो फंक्शन के बीच, प्लानिंग और प्रोडक्शन, और उन फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए 8 एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट बताई, 4 अंडर प्लानिंग, 4 अंडर प्रोडक्शन। अब इसके आगे बात करते हैं, ये जो पहली टेक्निक थी ये डिटेल में डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे डिफरेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। सो सेकंड टेक्निक की बात करते हैं जो डील करती है फटीग स्टडी से। अब यहाँ पर एक टर्म है फटीग, तो सबसे पहले ये फटीग टर्म क्या है इसका मतलब जानना ज़रूरी है। सो फटीग जो टर्म है उसका मतलब होता है टायर्डनेस, ड्राउजीनेस से, या मतलब बोरिंगनेस, थकान हो जाना, थकावट हो जाना। सो भाई एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी पर्सन लगातार लॉन्ग आवर तक क्या करेगा, बिना किसी ब्रेक के काम करता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि उसे अपने काम से जनरली बोरिंगनेस अराइज होने लगेगी, मतलब उसका इंटरेस्ट जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके काम करने की स्पीड कम हो जाएगी, या उसके काम जो एफिशिएंसी है उसके काम की वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब काम प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, 100% एफर्ट के साथ नहीं होगा। अब काम दिल से नहीं हो रहा, लगन से नहीं हो रहा, इंटरेस्ट के साथ नहीं हो रहा, गलती भी हो सकती है काम में, आप काम कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा, बार बार गलत हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा कि आप अपने एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, उसका या तो दिल नहीं है, दिल तो कभी नहीं होता है एम्प्लॉय का, मतलब जनरली क्या है कि वो काम करते करते बहुत ज़्यादा थक चुका है, फिर भी आप उससे काम कराए जा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि काम ना तो आपका अच्छे से हो पाएगा और गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, और दूसरी तरफ जो है आपका एम्प्लॉय भी क्या रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा कि मेरा एम्प्लॉय तो बड़ा रूड है, मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा, मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा है, लगातार मुझसे 13-14 घंटे काम कराया जा रहा है। भाई मशीन थोड़ी है, इंसान ही तो है, हालांकि कह दिया जाता है मैनेजर मशीन क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो, इंसान इनको इंसान ही रहने दो, उसकी तरीके से ट्रीट करो। तो उसी के लिए एक स्टडी करी थी एफ डब्ल्यू टाइलर ने, देखिए स्टडी करी थी मतलब चीज़ों को पहले उन्होंने खुद ऑब्जर्व करा, खुद देखा, खुद समझा, और फिर ये टेक्निक जो है रिप्रेजेंट करें। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में जब नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करा था, जहाँ डिस्कस करा था मैनेजमेंट एज अ साइंस में, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होते हैं, डीप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब उनको प्रपोज करने से पहले काफ़ी रिपीटेड बेसिस पर सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी तो होता है, तभी तो वो पॉइंट रिलेटेबल था, अब और क्लियर होगा कि क्यों था, क्योंकि एफ डब्ल्यू टाइलर ने ये जितने भी टेक्निक हम पढ़ रहे हैं स्टडी फॉर्म में, उन सबको प्रपोज करने से पहले वो सारे काम परफॉर्म करके देखे थे, और फिर ये स्टडी जनरली रिप्रेजेंट करी थी। तो फटीग स्टडी में क्या है, मकसद था कि एम्प्लॉय की टायर्डनेस को रिड्यूस करना। एफ डब्ल्यू टाइलर चाहते थे कि एम्प्लॉय के साथ इनजस्टिस ना हो, एम्प्लॉय के साथ एक्सपेक्टेशन ना हो, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, फटीग स्टडी बनाई, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को भी समझाया कि फ़ायदा तो तुम्हारा भी है, लगातार काम कराओगे या तो आपका एम्प्लॉय फिर जल्दी, इसकी हेल्थ बेकार हो जाएगी, जल्दी बीमार पड़ने लगेगा, अच्छे से काम नहीं होगा, मतलब यही है ना कि कोई आराम नहीं मिल रहा, काम काम सिर्फ काम हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हेल्थ इफेक्ट होगी, टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, टाइम पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप माइंड फ्रेश नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या काफ़ी स्ट्रेस जनरली आ जाती है, फिर बंदा मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है, डिप्रेस हो जाएगा, हो सकता है फिजिकली सही हो लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओ, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो सकते हैं। तो उसी के लिए क्या है, एफ डब्ल्यू टाइलर ने सिंपल सी बात कही थी कि तो दोनों लोगों का फ़ायदा है, आप अपने एम्प्लॉय को क्या करो, टाइमली ब्रेक दो, रेस्ट उसको प्रोवाइड करो, ताकि लगातार वो काम करने से जो एक थकान, जो एक डिसइंटरेस्ट, जनरली एक स्ट्रेस उसके माइंड में डेवलप हो चुका है, उस ब्रेक के अंदर उन सारी चीज़ों को क्या कर सके, सही कर सके, सुकून जनरली कि सांस एक ले सके, थोड़ा आराम दे सके अपनी बॉडी को, फिजिकली भी और मेंटली भी, जो बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बंदे से लगातार 12-14 घंटे काम करोगे क्या होगा, मान लो एक दिन दो दिन तो खुशी शुरुआत में कर लिया खुशी खुशी, फिर क्या होगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब क्या है, फिर उसी काम से आपको चिड़न होने लगेगी, भाई क्या लगातार रोज का हो गया, एक आध दिन हो तो ठीक है, चलो एक आध दिन है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, काम बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चलो काम कर ले रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे, ब्रेक में भी काम चल रहा है, तो वो तो चल जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है जब क्लोजिंग होती है अकाउंट्स की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो उस टाइम पे चलता है, तो वो तो सिचुएशन का रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन की डिमांड है, लेकिन जनरली क्या करना है आपको, ऐसा रूल फॉलो नहीं करना कि आप अपने एम्प्लॉय को बिना ब्रेक दिए, बिना किसी रेस्ट इंटरवल के लगातार काम करा रहे हो, इससे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि फ़ायदा हो तो आप बीच बीच में अपने एम्प्लॉय को ब्रेक दें। अब बीच बीच में क्या, मान लीजिए कोई बंदा है 12 घंटे की शिफ्ट पर काम कर रहा है, क्या करो, उसको 6 घंटे के बाद ब्रेक दे दो, 6 घंटे के बाद ब्रेक दिया, फिर अगले 6 घंटे के बाद तो चला ही जाएगा ना, 12 घंटे की शिफ्ट है,
अब ये भी डिपेंड करता है कि कितना टेन्योर, कितना टाइम का हम ब्रेक उसको दें। तो डिपेंड करता है, 6 घंटे काम करा है तो कम से कम 20-25 मिनट का तो आप उसको ब्रेक दोगे, ताकि उन 6 घंटे की थकान जो है उस 20-25 मिनट में रिड्यूस कर सके। जैसे स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, रिसेस मिलता है, लंच होता है, इंटरवल होता है, क्या है 4 पीरियड के बाद, 4 पीरियड के बाद होता है, ताकि क्या है जो बच्चे पढ़ते पढ़ते बेचारे थक गए हैं, आज सुबह लंच करके आए होंगे, अब पेट भी खाली हो गया होगा, दिमाग भी भर गया होगा पढ़ते पढ़ते, तो क्या करें, अपने आप को थोड़ा फ्री कर सके, थोड़ा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस कर सके, थोड़ी पेट पूजा कर ले। भाई आपको एम्प्लॉई के साथ भी करना है, भाई वो भी तो इंसान है, उनको भी इंसान की तरीके से आप ट्रीट करना है। तो फटिक स्टडी का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव लिख रखा है यहाँ पर बहुत आसानी से, याद रखिए बुक में भी चीज़ें यही हैं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, और जो मैं स्टेटमेंट सिर्फ लिखे हैं वो ऐसे हैं कि एक लाइन पढ़कर आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, टू रिड्यूस द टायर्डनेस ऑफ एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग या गिविंग देम रेस्ट इंटरवल। इस स्टडी का मकसद है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी टायर्डनेस को रिड्यूस करना, और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम उनको टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के बाद ब्रेक प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के भी फायदा, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड। ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कैसे, आपने 20-25 मिनट ब्रेक दिया, और 20-25 मिनट के बाद बंदा जो है ना बहुत फ्रेश माइंड के साथ फर्दर क्या करेगा, काम करेगा 100% एफर्ट के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। वही अगर आप लगातार उससे काम करवाते रहते, उसको खींचते रहते जबरदस्ती, फिर क्या है एक टाइम पर अगर उसका इंटरेस्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपेयर कर लो, अगर आप किसी से लगातार काम करा रहे हो 12-13 घंटे उसका काम, और वहीं आप वही 12-13 घंटे करा रहे हैं लेकिन उसमें ब्रेक आप दे रहे हो, तो दोनों के काम में काफ़ी डिफरेंस अराइज होगा। यही था फटिक स्टडी का मकसद, कि अगर आप काम में डिफरेंस चाहते हो, डिफरेंस एक पॉजिटिव, कि आपका काम परफेक्ट मैनर हो, एफिशिएंसी के साथ हो, तो आप फटिक स्टडी को फॉलो करें। एंड देन नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन जिसका मतलब है मूवमेंट से रिलेटेड। सो यहाँ एक्चुअल में जो मेन मकसद था F.W. टायलर का स्टडी को कंडक्ट करने के पीछे, वो था कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, देखा जाता है कि वो आलतू फालतू के कामों के लिए इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना मतलब एफर्ट जनरली वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज आप फटिक स्टडी को फॉलो करें आलतू फालतू कामों के लिए, या आप बाहर जाने के लिए, कैंटीन जाने के लिए, खाने को टाइम दोगे आप फटिक स्टडी के अंदर, फिर चाहते हो कि और इसके अलावा टाइम बर्बाद ना हो, फिर सारा का सारा काम क्या करें, एम्प्लॉय अपने काम पर ही लगाएं, तो आपको उनके अननेसेसरी मूवमेंट पर लगाम लगानी है, आपको उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कंट्रोल करना है। मतलब जो ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसको करने से ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको कंट्रोल करना है। अब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स एक्चुअल में एम्प्लॉय करता क्यों है, वही है कि अपने काम से बचने के लिए, थोड़ा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के रिगार्डिंग। तो एक तोड़ इसका क्या है कि कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ मोशन स्टडी में बताया गया कि पहले तो ये नज़र रखो कि एम्प्लॉई अननेसेसरी मूवमेंट क्यों कर रहा है। एम्प्लॉय पानी पीने जा रहा है, आपका वर्कर बार बार पानी पीने जा रहा है, एक बार समझ में आई कि क्या करो, आप उसके वर्क प्लेस पर टाइम टू टाइम उसको पानी प्रोवाइड करो, या फिर वाटर फैसिलिटी जो है अलग अलग लोकेशन पर आप रखो, ठीक है, थोड़े थोड़े दूर जगह पर आप कूलर वगैरह रखवा दो, ताकि लोग जो है वहाँ पर आकर पानी पी लें। ऐसे नहीं कि बस पूरे मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो एक बिल्कुल एंड पॉइंट आपने बना दिया है, जैसे शादी वगैरह में होता है ना कि बाकी सारी चीज़ों के स्टॉल दो दो तीन तीन जगह पानी बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, वैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रखा है, सारे लोग जो है वो एक ही एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना वो मतलब डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग मिल गए, उनकी बातचीत शुरू हो गई, फिर वही गॉसिपिंग स्टार्ट हो गई, टाइम लग जाएगा, दिमाग भी आपका बट जाएगा। तो आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आपने देखा अच्छा इस वजह से जा रहा है, तो आपने क्या करा, उस चीज़ का तोड़ निकाल दिया कि हम क्या करेंगे, आप अपने काम पर ही रहें, आप अपना काम करते रहें, आपको सारी चीज़ें टाइमली सप्लाई करी जाएंगी, आपको बीच बीच में पानी दिया जाएगा, आपको चाय की तलब हो रही है, आपको टैबलेट चाहे, मतलब जो भी है, आप थोड़ा और भी चीज़ों का ध्यान रखते हो अपने एम्प्लॉय की। तो अब उसके रिगार्डिंग क्या है, आपने पहले देख लिया, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, उन्हें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन्हें कुछ फाइल चाहिए, कुछ चीज़ है, तो आप ये देखो कि उनके काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप सब उनके वर्क प्लेस पर ही उन्हें अवेलेबल करा दो, ताकि उनको कोई एक्सक्यूज ना मिले, कोई बहाने ना मिले कि मैं ये लेने गया, कि मैं वो लेने गया, क्यों ज़रूरत थी, तुम्हारी ज़रूरत का सामान तो सब तुम्हारे पास है। तो आपको सोचना है ना कि क्या आपको एम्प्लॉयज से और आगे सोचना है, कि एम्प्लॉय जनरली क्या है, बचता ही है काम से, वो बहानेबाजी करेगा। तो आपने देख लिया सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करी, फिर भी इंसान है वो,
ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकालेगा। तो मोशन स्टडी में उनको कंट्रोल करने की एक और टेक्निक बताई कि क्या करो, आप सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दो, आप अपने एम्प्लॉय के काम पर निगरानी रखने के लिए किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दो जो उनके ऊपर नजर रखेगा कि वो ढंग से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। या फिर आप अगर किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहते उस पर भी भरोसा नहीं है, भाई सुपरवाइजर भी एम्प्लॉय ही है आपका, उसके काम पर भी भरोसा नहीं है, ठीक है, आप क्या करो उस पर और नज़र रखने के लिए आप CCTV कैमराज इंस्टॉल करो, और कैमरा के थ्रू आप सब पर नज़र रख सकते हैं कि कौन प्रॉपर मतलब प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, कौन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है। सो मोशन स्टडी का मकसद है अपने एम्प्लॉय के टाइम और उसकी मेहनत उसके एफर्ट को सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, मतलब अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एलिमेंट्स को मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना। इसके अलावा चौथा हमारे टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड क्या मतलब है, काम करने का तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका। सो आजकल हर चीज़ के बड़े सब्स्टिट्यूट है, बड़े तोड़ है, कोई भी काम आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, एक ही काम है आपके पास बड़े ऑप्शन है उस काम को करने के। तो वहीं FW टाइलैंड ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो टारगेट है वो प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अचीव करने के भी अलग अलग तरीके हैं, कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रही है तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो अपनी सेल जनरली क्या है सप्लाई बढ़ा दे, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इकोनॉमिक लॉ कहता है, जॉन बेनेट से ने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप क्वांटिटी अच्छी सप्लाई करो, क्वालिटी अच्छी दो, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दो, आप ऑफर दो, डिस्काउंट दो, जिससे कस्टमर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो। मतलब क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। अब अलग अलग बहुत सारे आपके पास मेथड अवेलेबल है, लेकिन उनमें से आप सबको इस्तेमाल करो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एफोर्डेबल नहीं है। वही ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट कर सकते हैं जो लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर अच्छा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन, जो बाकी की बची है उनके लिए क्या होगा भाई, उन वो क्या करेंगी, उनके लिए हिदायत दी गई, डायरेक्शन दी गई कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको काम करने के जितने भी तरीके हैं आप उन सबको देख लें कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप वो काम कर सकते हैं, फिर उसमें से आप देखें कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, किसमें आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड अमंग द अवेलेबल वन। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अमंग द अवेलेबल, जो भी अवेलेबल मेथड्स हैं उसमें से क्या करना, बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना किसी भी काम को पूरा करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे मेथड स्टडी। आप स्टडी कर रहे हो, आप उसमें भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि जो भी आपको काम करना है उसके तरीके क्या क्या हैं और उनमें से क्या आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, जो फेवरेबल है, जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको सेलेक्ट करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग मेथड स्टडी। इसके अलावा एक और टेक्निक है टाइम स्टडी से रिलेटेड, जहाँ इसका मकसद है किसी भी काम को करने में जो टाइम लगेगा वो सेट करना, बिल्कुल एक्यूरेट सेट करना, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा होगा कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोई काम आपने दिया है जो कम टाइम में हो रहा है और आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप इफेक्टिवनेस ब्रिंग नहीं कर पा रहे हो, आप यही आइडिया नहीं लगा पा रहे कि भाई इस काम को करने में टाइम कितना लगेगा। ज़्यादा दे दिया मतलब क्या, एम्प्लॉय काम करने के बाद फालतू बैठा हुआ है, ठीक है, वो बैठा हुआ मतलब दूसरा कोई और काम कर रहा है उसे भी डिस्टर्ब करेगा, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। या फिर कम टाइम दिया है, काम ज़्यादा हुआ है, बंदा पहले से डिप्रेस हो जाएगा, अरे मेरे पास इतना ज़्यादा काम है लेकिन टाइम इतना कम है। तो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सा नेचर है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो एक्चुअल में इस टाइम स्टडी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किसी भी काम को करने में जो टाइम लगे वो आप एक्यूरेट टाइम सेट कर सके, जहाँ पर ना तो बंदा ये कह सके नहीं मुझे टाइम कम मिला था मैं नहीं कर पाया। मतलब एम्प्लॉय तो एक्सक्यूज़ का चांस उसको चाहिए, तो वो स्कोप नहीं प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयर को, या बीइंग अ मैनेजर वो स्कोप आपको नहीं इंश्योर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम स्टडी परफॉर्म करें, जहाँ पर आप देखें कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, पहले चेक कर लें, पहले उसको खुद स्टडी कर लें, देख लें, फिर आप वो क्या करें, एक एवरेज के तौर पर, एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर वो आप अपने एम्प्लॉयज को डेडलाइन प्रोवाइड करें कि नहीं भाई ये काम इतने टाइम के अंदर होना चाहिए। जैसे एन एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में सेशंस वगैरह होते हैं या मेन बोर्ड्स की बात करें, जहाँ पर आपको 75 मार्क्स का पेपर होता है, जो FAs हैं, प्री बोर्ड्स हैं या जो सेशनल हैं, जनरली 25 मार्क्स के यूनिट टेस्ट होते हैं। तो अब उसमें क्या है, 25 नंबर के एग्जाम पेपर के लिए आपको एक घंटा मिलता है, जो वहीं आपका 75 मार्क्स का एग्जाम है वहाँ आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। तो ये टाइम जो है वो अलग अलग अलॉट करा जा रहा है किसके हिसाब से, काम 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको काम कम दिया गया है,
आपसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, वहीं जो 75 मार्क्स का है वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको काम ज़्यादा करना है तो टाइम भी ज़्यादा है ना। अब वो एक्यूरेट है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, हम नहीं कर पाए, टाइम कम था। एक्चुअल में टाइम कम नहीं होता, किसी भी चीज़ को पेपर को भी सेट करने में स्टडी होती है, देखा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट उसको इतने टाइम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जैसे क्वेश्चन फ्रेम्ड करे गए। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ वो यही है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब हम उन चीज़ के आंसर पहले ट्राई करते हैं जो हमें नहीं आते। भाई वो पहले ट्राई करो ना जो आपको अच्छे से आते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको सोचना है वो बाद में आप करो। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन करने के चक्कर में रह जाते हैं, आप लग जाते हैं कि जो आपको नहीं आते फिर भी पहले करेंगे, ये तो मुझे आता है ये बाद में कर लेंगे। फिर ऐसा होता है कि बाद में टाइम खत्म हो गया और जो आता था बहुत अच्छे से वो आपका रह गया, आपका छूट गया, तो ज़्यादा अफसोस होता है। तो किसी भी काम को जब आपको दिया जा रहा है, जैसे कोई भी मतलब बोर्ड है, बोर्ड सेट करता है पेपर, तो वो स्टडी कर लेता है कि हाँ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व होने में इतना टाइम लगेगा। इसी तरीके से एक मैनेजर को भी क्या करना चाहिए, कोई भी काम अपने एम्प्लॉई को देने से पहले तय कर ले कि उस काम को पूरा करने के लिए टाइम कितना दिया जाए। ओके, यही मेन मकसद है टाइम स्टडी का। इसके अलावा बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, नाम सही है, जिसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंट, वेरिएशन, पीस मतलब जो पर यूनिट है, वेजेस का मतलब जो भी हम क्या करते हैं कंसिडरेशन अपने वर्कर्स को देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में बड़ा सिंपल मतलब है कि यहाँ पर हमें जो वेजेस जो हम अपने वर्कर को देते हैं वो किसके हिसाब से देनी है, पर पीस के हिसाब से देनी है। मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना वेजेस देनी है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है तो क्या कर रही है, एक पीस को बनाने के 10 रुपये दे रही है। ठीक है, एक पीस 10 रुपये पर यूनिट का है, तो अगर किसी ने 100 बनाए तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे, किसी ने 200 बनाए तो उसको क्या है 2000 रुपये मिलेंगे। सो मतलब क्या है कि जो जितना काम करा उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करा जा रहा है, पे करा जा रहा है। यही है कि टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, आप फेयर वेजेस दे रहे हो। अब दूसरा ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे 1000 रुपये दिए उसको 2000 रुपये दिए, क्यों, आपने फेयरनेस डेवलप करी, उसने ज़्यादा काम करा तो उसको ज़्यादा आपने वेजेस दिए हैं। तो इसका मतलब है फेयर वेजेस प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स के काम के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट टेक्निक दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर ये बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करना चाह रही है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रही है, तो उन्हें अपने काम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब क्वांटिटी से मतलब बिल्कुल अलग ना निकालें, क्वांटिटी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्या है कि जो भी आप प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत डाइवर्सिफाइड या वैरायटी ऑफर कर रही हैं, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, 20 तरीके के सामान बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऐसा नाम नहीं है मार्केट में। ठीक है, आपकी क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरों को भी रेफर करें, से चल रहा है, तो उस पर काम ना करें। अगर आप चाहते हो किसी भी एक काम में आप अपना नाम कमा लो, जहाँ कहते हैं आपका नाम ही फिर काफ़ी हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वांटिटी पर इतना तवज्जो ना दें, आप क्वालिटी पर काम करें। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बन पाएगा, और क्वालिटी जब अच्छी होगी जब आप अपने दिमाग को ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा आसान बनाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना रखें, वह आपने चीज़ें बांट दी, आपका दिमाग 10 जगह बट रहा है, तो आप एक चीज़ पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, वही दिमाग आपका 10 जगह लग रहा है, वहीं एक चीज़ बना रहे हो, तो सारी क्रिएटिविटी, सारा इनोवेशन स्किल्स, सारी मेहनत एक ही प्रोडक्ट को बनाने में, संजोने में लगा दोगे, तो उसमें क्या होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इफ यू वॉन्ट टू अचीव द स्टैंडर्ड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई द वर्क। आप अपने काम को थोड़ा आसान करें, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट को थोड़ा रिड्यूस कर दें, क्वांटिटी को थोड़ा रिड्यूस करें, फोकस करें क्वालिटी पर। सो ये मेन 7 टेक्निक थे जो IFW टाइलैंड ने रिप्रेजेंट करे। हालांकि यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव जो है मेन वो यहाँ पर लिखे हैं कि हर एक स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक लाइन फॉर्म में, और एक लाइन से पूरा मीनिंग क्लियर होगा, सिर्फ समझ के पढ़िएगा। और मैंने इससे रिलेटेड आपको ओरली भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन यहाँ वन लाइन स्टेटमेंट यूज करा है जो बहुत हेल्पफुल होगा आपको पूरा टेक्निक समझने के लिए, पूरा टॉपिक समझने के लिए। तो यह 7 टेक्निक की बात करी थी, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज FM2TDS। FM2, F से फंक्शनल फॉर्मेशन, F से फटीग स्टडी, M से मोशन स्टडी, M से मेथड स्टडी,
P is a time study, D is a differential P is wages system and S is standardization and simplification of work. ये हैं 7 टेक्निक जो प्रपोज करी थी फ्रेडरिक मिस्लो टाइलर ने. काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एग्जाम से रिलेटेड भी और आपके मतलब आफ्टर 12th भी काम आने वाले, और ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उनके सिलेबस से भी रिलेटेड है. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, और अगर कोई भी फर्दर क्वेरी है किसी भी एक पॉइंट से रिलेटेड या डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड, प्लीज जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कॉमेंट कर सकते हैं. और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी, अगर आपका हेल्पिंग एटीट्यूड है, इफ यू हैव द कोऑपरेशन सेंस, तो वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.